लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लखनऊ घंटाघर प्रोटेस्ट का आज 50वां दिन है और यहाँ पे महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं आ चुकी हैं और अपनी आवाजें सरकार के कानों तक डाल रही हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे 4 दिनों से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। वॉलेंटियर्स और सोशल एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है। सपा नेता यामीन खान को गिरफ्तार करा गया, फिर उसके बाद उनकी रिहाई हुई, और उसके बावजूद औरतों का हौसला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश हुई, उसके बाद बर्फ भी पड़ी, लेकिन इन औरतों का जज्बा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कितनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, और एक तरफ से ये NRC और CA NPR पे हल्ला बोल रही हैं, नारे लगा रही हैं, और एक अपनी आवाज़ जो है वो सरकार के कानों तक डालने की कोशिश कर रही हैं। लगातार हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं एक तरफ से कि कितनी महिलाएँ एक साथ इकट्ठा हुई है। आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं, उसके लिए ये महिलाएं ज़्यादा उत्साहित हैं कि हमारी आवाज़ आज तो सुनी जाए। हम लगातार 50 दिनों से अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं, 2400 घंटे ठंडक में, बारिश में, गर्मी में हम अपनी आवाज़ें अपनी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आज 50 दिन हो चुके हैं हमें बोलते हुए, औरतों का कहना है आज 50 दिन हो चुके हैं हमें अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे हमारे दाहिने ओर, जो कि महिलाओं की संख्या काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, और लगातार स्टेज से नारे लग रहे हैं, हल्ला बोल हल्ला बोल, NRC पे, CA पे, NPR पे हल्ला बोल। देखिए लगातार यहाँ पे महिलाएं तालियां बजा रही हैं, नारे लगा रही हैं, और इतनी गिरफ्तारियां, भारी पुलिस बल तैनात है, RAF तैनात है, आंसू गैस वज्र तैनात है, और स्टेज की तरफ दिखाएंगे हमारे कैमरामैन आपको, लगातार नारे लग रहे हैं, हल्ला बोला जा रहा है, और एक तरफ से महिलाएं हल्ला बोल रही हैं NRC और CA पे। आप हमारे साथ आइए स्टेज की तरफ, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी महिलाएं काफी एक्टिव हैं और लगातार नारे लगा रही हैं, हल्ला बोल नारे लग रहे हैं। आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं, और इसके लिए महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही, महिलाएं आती जा रही हैं। अभी 4 बजे हैं और महिलाओं की तादाद लगभग लाखों में पहुँच चुकी है। मैं आकिब मिराज खान, कैमरामैन नौशाद खान के साथ, लखनऊ।